कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन 65। चिकन 65 के लिए जो मैंने चिकन लिया है, ये देखिए 1 kg मैंने चिकन लिया, 1 tablespoon लिया मैंने धनिया पाउडर, 1 tablespoon लिया मैंने नमक, 1 tablespoon कुटी लाल मिर्च, 2 tablespoon लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, 1 tablespoon लिया मैंने राइस फ्लोर चावलों का आटा और 4 tablespoon लिया मैंने सिरका। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब मैं शामिल करूँगी चिकन में। सबसे पहले मैंने शामिल किया धनिया पाउडर, इसके बाद मैंने नमक शामिल किया इसमें, लाल मिर्च पाउडर कुटी लाल मिर्च, कॉर्नफ्लोर, इसको पहले मैं मिक्स कर लूंगी। राइस फ्लोर चावलों का आटा, लास्ट इंग्रेडिएंट सिरका। सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल के मैं इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। देखिए मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अब मैं इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी ताकि ये अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट जो हैं अच्छे से मैरिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए। 1 tablespoon मैंने इसमें अदरक लहसुन पाउडर ऐड कर दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। तो मैरिनेट करने के बाद अब मैं चिकन फ्राई करने लगी हूँ। वैसे तो चिकन 65 में चिकन बोनलेस यूज़ करते हैं, मेरे पास ये वाला चिकन था और मैंने फिर यही चिकन इस डिश में यूज़ कर लिया। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप बोनलेस चिकन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हाफ मैंने निकाल लिए हैं, ये देखें चिकन, अब ये थोड़े से रह गए, इनको फ्राई कर रही हूँ मैं। व्यूअर्स ये देखें ये चिकन फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए चिकन को कर लिया था मैंने फ्राई, ये इसका पहला स्टेप था इस रेसिपी का। सेकंड स्टेप है इसका, इसकी ग्रेवी तैयार करना है। इसकी ग्रेवी के लिए ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 teaspoon लिया मैंने, 2 tablespoon लिया मैंने चिली सॉस, 1 1/2 teaspoon लिया मैंने नमक, हाफ छोटी प्याली मैंने ली दही की, थोड़े से मेरे पास ड्राई पड़े हुए थे ये कड़ी पत्ते ये लिए मैंने, और ये तकरीबन 4 tablespoon लिया मैंने टोमेटो पेस्ट। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर लहसुन पेस्ट डाला, फिर इसके अंदर कड़ी पत्ते, चिली सॉस, अब ये टोमेटो पेस्ट शामिल करने लगी मैं इसमें। इसको करूँगी मैं अच्छे से फ्राई, फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी लास्ट इंग्रेडिएंट दही। दही डालूंगी और फिर ज़ीरा पाउडर डालूंगी। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, नमक और मैं ये दही शामिल कर रही हूँ इसको। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी, जब ये अच्छे से फ्राई होगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन जो मैंने पहले से फ्राई करके रखा है। ग्रेवी के ऊपर ढक्कन दे रही हूँ, ढक्कन देने के बाद इसको 5 मिनट के बाद देखूँगी ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए, इसमें से कच्ची स्मेल ना आए। तो व्यूअर्स ये देखिए मेरी ग्रेवी हो गई है तैयार, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन।
अब मैंने इसको मिक्स कर लिए अच्छे से। इसमें इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ढक के ठहरा दूंगी। व्यूअर्स ये देखिए मेरा चिकन 65 हो गया है तैयार। अब मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट। ये देखिए मेरी जो चिकन 65 की रेसिपी है बनके तैयार है। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।